बड़ी आग पे खड़ा है जेपी के ऊपर। तीन पीढ़ियों से हराया हुआ इस आदमी को, ये थोथा चढ़ा बाजा घड़ा वाली बात है, बाजे है यो वोट बाट कौन है इसके पास, कोई नाराजगी नहीं रखनी, कोई मन में मलाल नहीं रखना है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, जितने वोट मेरे बेटे भव्य को आपने दिए उससे फालतू वोट रंजीत को दोगे तो आपके भाई बेटे की लाज बचेगी, लाज नहीं बचेगी, इस बात का ध्यान आप रखना। माननीय रंजीत चौटाला जी भारी वोटों से इस हार से जीतेंगे, आप मेरे साहब लिखवा के ले जाओ। न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। सबसे पहले तो आज इतने काम के समय में, इतने व्यस्त समय में, इतनी भारी संख्या में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो आप यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से, तमाम मंचासी नेताओं की ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आपकी यही स्नेह, आपका यही स्नेह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अभी भव्य ने आपको बताया कि आपका और हमारा 56 साल का पारिवारिक रिश्ता, अभी 3 जून को या 7 जून को भजन लाल जी पहली बार विधायक बने थे 1968 में, उससे पहले का भी रिश्ता हमारा, पहले ब्लॉक समिति में रहे, चेयरमैन रहे, सरपंच रहे, पंच रहे, सब रहे, लेकिन विधायक पहली बार 3 जून को, वो 3 जून 1968 को पहली बार विधायक बने, 56 साल हो जाएंगे 3 जून। अब मैं मेरी माँ के पेट में था 6 महीने से, तो पिताजी कहते भाई छोरा या छोरी जो भी पेट में है बड़ा भागड़ा है, इसके बाद 6 महीने विधायक बनने, पहली बार विधानसभा पहुंच गया, तो वो एक पारिवारिक रिश्ता मैं आपको बता रहा हूँ। और पारिवारिक रिश्ता एक दिन में नहीं बनता, किसी के कहने से नहीं बनता, वो एक विश्वास का बनता है। आपका और हमारा 56 साल का विश्वास, हमारा कैसा भी बुरे से बुरा वक्त रहा हो, कैसे भी हमारे हालात रहे, चाहे चौधरी भजन लाल जी के या मेरे, आपने कभी अपना प्यार का हाथ, आशीर्वाद का हाथ मेरे मेरे पिताजी के सिर के ऊपर तो नहीं उठाया। 5 उपचुनाव जीतने की बात हो, 4 विपक्ष में और 5वां भव्य जीता, क्या भिवानी का महाभारत थी, मतलब भयंकर से भयंकर चुनाव, हर बड़े से बड़ा धुरंधर यहाँ पर आके देख लिया, लेकिन आपने परिवार की तरह अपना चुनाव समझ के आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया, और हमने भी हमेशा प्रयास किया कि आपके मान और सम्मान को हम ऊंचा रखें। क्या कितनी से कितनी बड़ी कुर्बानी हमें देनी पड़ी, हमने हर वर्ष प्रयास किया कि आपके मान सम्मान को ऊंचा रखें। आज यही कारण है कि आज पूरे दुनिया में, खासतौर पर पूरे हिंदुस्तान में लोग आदमपुर विधानसभा की मिसाल देते हैं। तो साथियों, आज उसी प्यार का, उसी स्नेह का की वजह से मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। कोई नाराजगी नहीं रखनी, कोई मन में मलाल नहीं रखना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपके भाई, आपने बेटे का लाज रखना, आज मैं आपके पास बीच में आया हूँ अपने भाई रंजीत चौटाला जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद लेने, किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना, जितने वोट मेरे बेटे भव्य को आपने दिए उससे फालतू वोट रंजीत को दोगे तो आपके भाई बेटे की लाज बचेगी, लाज नहीं बचेगी, इस बात का ध्यान आप रखना। एक भाई एक बेटा होने के नाते आपको समझा रहा, आप हमारे पारिवारिक है, आप हर बात को समझते हो। आज कुछ लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, अभी रास्ते में हम बैठे थे जगह माने मनोहर लाल जी के इंतजार में, तो जगह चाय थी मेरी आंटी के पास, तो लोग कह लगे भाई जेपी आ गया ये तो कांग्रेस में ये होगा। मैंने कहा जी हमारा बड़ी हाथ पे खड़ा है जेपी के ऊपर, 3 पीढ़ियों से हराया हुआ इस आदमी को, ये थोथा चढ़ा बाजा घड़ा वाली बात है, बाजे है यो वोट बाट कौन है इसके पास, वोट तो आपने देने हैं, और ये संख्या आपका प्यार आपका आशीर्वाद बता रहा है। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई कैसे भूपेंद्र हुड्डा को वोट डाल सकता, आप उनकी 10 साल की सरकार को भूल गए, 10 साल के अंदर सिवाय भूमि घोटाला के, इसको भू माफियों का सरगना कहा जाता, सिवाय किसानों के साथ उनकी जमीनें हड़प के बिल्डरों को देने के अलावा अगर 10 साल में इसने काम किया होता मैं बता दूं। और खासतौर पर मैं आदमपुर में खड़ा हूँ, इतना भेदभाव हरियाणा के इतिहास में अगर आदमपुर के साथ भूपेंद्र हुड्डा से किया हो तो आप गवाह हो इस बात।
हर चीज में भेदभाव था, क्या किसानों के पानी की बात थी या रोजगार की बात थी, हर चीज में भेदभाव। ये भूपेंद्र हुड्डा ने तो उसको भी वोट दे देगा, और ये जेपी उसका खास आदमी। साथियों हर चीजें बुला दो, हमने माननीय मनोहर लाल जी को देखना है, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना है, कि इन दोनों की वजह से आज हमारे आदमपुर हलके का और देश का कितना विकास हो रहा है। बहुत डिटेल से आपको भव्य ने एक चीज को समझाया। इसलिए साथियों मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है, 10 9 के 9 हलके में जहाँ भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, हरियाणा में जहाँ भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहाँ भी जान पहचान है, एक एक आदमी को बोलो कि जिस मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 साल में ईमानदारी से सेवा की है, हर मुख्यमंत्री पे जाने जाने में लांछन भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है, कोई एक आदमी बता दे इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई शक की सुई बिजली हो। ऐसे ईमानदार आदमी का आपको साथ देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मन नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एलिगेशन किसी ने लगाया हो, आपके सामने आप गवाह इस बात के, देश को तरक्कियों तक पहुंचाने का काम मान नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए साथियों मंच पे बैठे हैं, ये अफवाहों के घेरे में मत आना। माननीय रंजीत चौटाला जी भारी वोटों से हिसार से जीतेंगे, आप मेरे साहब लिखवा के ले जाओ, ये लोग कुछ भी आपके आगे बोलते रहे। और खास तौर पे आज मैं किसान भाइयों का आज आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने मान और सम्मान रखा। कल किसी ने मुझे निर्जी से कोई शर्त लगावा था कि किसान कोई विरोध करने भी आएंगे, मैंने कहा आदमपुर हल्का है, हर जिला है, इतना प्यार स्नेह लोगों का हमने पाया है कि हम अगर स्टेज पे होंगे तो कोई एक किसान भाई विरोध नहीं करेगा, दिल में दिल से मोहब्बत दिल से प्यार है। उन किसान भाइयों का भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को, हमारे मान सम्मान को रखा। अगर कोई उनकी बात है तो भाई मैं 24 घंटे हाजिर हूँ, पहले भी उनके लिए लाठियां तक हमने खाई, हर आवाज माननीय रंजीत चौटाला जी आपको उठाएंगे पार्लियामेंट में, और जहां तक बन पाएगा माननीय मनोहर लाल जी और मैं भी उनकी हर मांग को ऊपर तक पहुंचाकर करवाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः क्योंकि आप मनोहर लाल जी सुन लेट बहुत चल रहे हैं, आप इतने काम के समय में, आज दिहाड़ी का मजदूर नहीं मिलता फिर भी आप इतने काम के समय में इतनी भारी संख्या में यहाँ भी खड़े हो, बाहर भी खड़े हैं, पीछे भी दिख रहे थे हम लोग खड़े हैं, इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं भार व्यक्त करता हूँ। और एक भाई एक बेटा होने के नाते मन से भाई आप आदमपुर हल्के में सच्ची बात करते हो, मेरे पिताजी भी कहते थे आदमपुर हल्के का जो कहता है वो सच बोलता है, तुम भी सामने रहना, अगर मन से आप हमारे साथ हो और रंजीत जी को आशीर्वाद दोगे, दोनों हाथ खड़े करके आप अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार पुनः आपसे यही प्रार्थना कि अपने भाई बेटे की और भव्य की ईमानदारी, भाई भव्य की ईमानदारी की, भव्य के संघर्ष की और मेरी लाज रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।